Daily Buzz brings to you some exciting updates on the show To Suraj Main Sanj PRG. In the upcoming episode, we will see that Bhabo gets emotional during Kanak's bidai. Well, check out the exclusive interview of Kanak and let us see what she has to say about this. ये फिर से विदाई तो नहीं है, ये पहली बार विदाई है राठी परिवार से. और कनक ने सोचा भी नहीं था कि भाबो और पूरा परिवार इतनी खुशी से इस घर से विदा करेगा. इनफैक्ट कनक भाबो के प्यार के लिए बचपन से तरसती रही. जो प्यार उसे माँ की तरफ से कभी मिला ही नहीं, वो भाबो ने पूरा किया. और अफसोस की बात ये है कि जब भाबो का प्यार मिला तभी कनक को इस घर से विदा होना पड़ रहा है. तो कनक बहुत ज़्यादा खुश भी है और बहुत ज़्यादा दुखी भी है कि भाबो से अलग होना पड़ रहा है. अच्छा, कनक की विदाई किसी जश्न से कम नहीं है, यू नो, पूरा घर जगमगा रहा है, सभी एकदम रेडी होके तैयार है कनक को विदा करने के लिए. तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज था कनक के लिए. कनक को लगा कि सब थोड़े बहुत दुखी हो गए हैं, कुछ लोग इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, घर में बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल है और उनके अगेंस्ट जाके मुझे इस घर से जाना पड़ रहा है. तो मुझे लगा बहुत ही सादी सी विदाई होगी, लेकिन भाबो ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया ढोल का और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई. और बीच में आ जाते मेरे वंश भैया जो कि तांडव वाला डांस करते हैं और मुझे डरा देते हैं कि हे भगवान, क्या सोचा था और क्या हो रहा है, कुछ गलत या भयानक ना हो जाए. तो ये सोच के थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल हो गया. ये एक डेंजर वाला साइन लग रहा है कि कुछ गलत ना कर दे भैया बदला लेने के चक्कर में. अब देखते हैं क्या होता है. कनक को अच्छा लग रहा है कि भाबो ने उमा को भी एक्सेप्ट कर लिया है. तो कनक बहुत खुश है. सो गाइस, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट? शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड लेट अस नो. हिट द लाइक बटन फॉर तू सूरज मैं सांझ पीआरजी एंड सब्सक्राइब टू टेली बस फॉर मोर डेली टेलीविजन अपडेट्स.